अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे सेल्फ ग्रूमिंग पे, यानी आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से निखार सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमें बस अपनी वीकनेसेस को कवर अप करके अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करना होता है ताकि जब भी हम किसी से मिलें तो हमारा इम्प्रेशन उस पर अच्छा आए। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पे आपको वर्क करना होगा, जो टाइम के साथ इम्प्रूव होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टेंट टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो जो है ना वो सबके लिए ही है, चाहे आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाती हैं, या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप हाउसवाइफ हैं, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं ना वो अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ देती हैं कि शादी तो हो गई है, अब अपनी केयर करने की क्या जरूरत है। सेल्फ ग्रूमिंग में वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आज हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिनका हमें पता भी होता है फिर भी हम इग्नोर करते हैं। तो मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगी जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लगेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हम जब भी किसी से मिलते हैं ना तो सबसे पहले उसके फेस को देखते हैं, और फेस जो है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और फेस में आप देखें कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो चीज होती है ना वो आपकी स्किन होती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी और अच्छी लग रही होगी तो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे उसका अच्छा असर पड़ेगा। अब स्किन केयर के लिए आपने एक दो चीजें नहीं है जो करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब मिलकर ही आपकी स्किन को हेल्दी बनाएंगे और अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी, आपकी स्किन उससे जो है वो शाइन करेगी, ग्लो करेगी। और उसके अलावा आपने बेसिक स्किन केयर को जरूर फॉलो करना है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा ज्यादा पानी पीने की आदत आप जितनी जल्दी अपना लेंगे ना आपको उतने ज्यादा जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपके बहुत सारे इश्यूज सिर्फ इसी हैबिट की वजह से ही खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपने हमेशा हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है ताकि आपकी स्किन भी अच्छी हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो। इसमें सारी पर्सनल हाइजीन आती है, आप जितना अपने आप को क्लीन रखेंगे ना उतनी आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। आपको याद होगा कि स्कूल कॉलेज के जमाने में कोई ना कोई एक ऐसी बंदी या बंदा होगा जिससे आप अवॉइड करते होंगे सिर्फ इसलिए कि उसमें से कोई वियर्ड सी स्मेल आती थी जो आपको अच्छी नहीं लगती थी। तो मेक श्योर कि वो आप ना हो। अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपने बस एक हैबिट बना लेनी अपनी कि एवरी डे आपने शावर ज़रूर लेना है। आप बाल वॉश ना करें, सिर्फ बॉडी वॉश कर लें, आपको उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। उसके अलावा आप परफ्यूम यूज़ करें, लेकिन हमेशा परफ्यूम उतना ही यूज़ करें जो प्लेजेंट लगे दूसरों को। और परफ्यूम आपने इस तरह से रिस्ट पे लगा के कान के पीछे लगा लेना है, अगर आप नेक पे लगाएंगे ना तो आपको बाद में रिंकल्स का इशू होगा। या फिर आप अपने शोल्डर्स पे भी स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका आउटफिट उससे ख़राब नहीं होगा तो। और इसके अलावा बॉडी स्प्रेज हैं, रोल ऑन्स हैं, आपको जो चीज़ भी सूटेबल लगती है आप डेली बेसिस पे यूज़ किया करें उसे लाजमी। कुछ लोगों को बैड ब्रीथ का भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, अदरवाइज़ आप माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं या फिर इलायची या सौंफ वगैरह अपने पर्स में रख सकते हैं ताकि आपके लिए यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट हो। ड्रेसिंग जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हैं तो वो आपकी ड्रेसिंग को देख के ही आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। और आपने ड्रेसिंग हमेशा अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग करनी है, आपको जो चीज सूट करती है आपने वो देखना है, और फिर आपने देखना है कि फैशन में क्या चीज है, क्या चीज ट्रेंड में है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा सा चेंज करके एडजस्ट करके फिर वो चीज़ पहननी है जो आपको सूट करे और जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और आप उस चीज़ को उस तरह से कैरी ही नहीं कर सकेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसके अलावा आप अपने दो आउटफिट हमेशा रेडी करके रखा करें ताकि आपने जब कभी जल्दी में कहीं जाना हो तो आपको उसके लिए ढूंढना ना पड़े। होता है कभी हमने मिक्स एंड मैच करना होता है, कोई दुपट्टा नहीं मिल रहा होता, कोई स्कार्फ नहीं मिल रहा होता, तो आप इस तरह से रेडी करके उसे प्रेस करके हैंग कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। अब मुझे यहाँ पर कभी ग्रॉसरी के लिए जाना होता है, कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, या फिर बच्चों को लेके जाना होता है, तो उसके हिसाब से मैं कपड़े हमेशा रेडी करके रखती हूँ ताकि मेरे लिए मैनेज करना ईजी हो।
आपका हेयर स्टाइल भी आपकी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपने अपने बालों का हमेशा ख्याल रखना है, आपने ट्वाइस अ वीक वॉश करना है, और कोशिश करें कि जब भी आप हेयर वॉश करें ना, उससे पहले या तो आप हेयर मास्क यूज कर लें या फिर ऑयल कर लें बालों को, तो उससे ये होगा कि आपके बाल नरिश होंगे और वो फ्रिजी नहीं होंगे, आप जो भी हेयर स्टाइल बनाएंगे वो अच्छा लगेगा। मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ ना, तो जब मेरे बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो जाते हैं, लाइक 80-90% ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बालों का जो फ्रिज होता है ना, वो चला जाता है। और उससे पहले मैं स्प्रे भी करती हूँ, और ब्लो ड्राई के लिए जो हीट प्रोटेक्टर होता है वो भी यूज़ करती हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करती, ना ही मुझे इतना अच्छा ब्लो ड्राई करना आता है, इसलिए मैंने ये रेवलॉन का 1 स्टेप ड्रायर लिया था। इससे बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए यूज़ करना। अच्छा, हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके हाथों को जरूर नोटिस करते हैं। अब अगर हाथ ड्राई हो या फिर नेल पेंट उतरा हुआ हो या टूटे हुए हो नेल, और स्पेशली अगर क्लीन ना हो, तो फिर आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। स्पेशली अगर आपके नेल्स लंबे हैं ना, तो आप उन्हें ज़रूर क्लीन रखा करें। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मैनीक्योर पे, क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ा सा एक्जिमा का प्रॉब्लम है, तो मैं कोई स्क्रब वगैरह यूज़ नहीं करती, तो मैंने होम रेमेडीज़ ऐसे दिखाई थी जो आप फेस पे भी यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपने पाँव को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कहा जाता है कि किसी की एज का या फिर पर्सनैलिटी का अंदाज़ा उसके पाँव देख के ही होता है। मैं फीट वाइटनिंग पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को इश्यू होता है कि उनके फेस का कलर और हाथ पाँव का कलर डिफरेंट होता है, और अगर आपके हाथ सेंसिटिव नहीं है मेरी तरह, तो आप फीट वाइटनिंग वाली जो रेमेडीज है ना, वो हाथों पे भी कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेयर रिमूवल भी हम सब लेडीज़ की बहुत बड़ी नीड है। अब अगर आप इसके लिए सलोन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप किसी रीज़न की वजह से नहीं जा सकते सलोन, या कभी आपको जल्दी में कहीं जाना होता है तो आपके पास टाइम नहीं होता जाने का, तो उसके लिए आपके पास घर में कोई ना कोई ऐसा गैजेट, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसे आप खुद ही जल्दी से कर लिया करें। आजकल तो वैसे भी पेंसिल आईब्रोज का फैशन ही नहीं है, तो आप सिर्फ ट्वीस्ट कर लें हल्का सा, तो शेप आ जाएगी, उससे नीटनेस आ जाएगी। और अपर लिप्स हमेशा टाइम पे कर लिया करें, क्योंकि उससे जो है ना बैड इम्प्रेशन पड़ता है वरना। और मैं वैसे थ्रेडिंग करती हूँ, तो मेरे 2 वीक्स आराम से निकल जाते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी में या जल्दी में मैं कहीं जा रही हूँ, तो फिर मैं ये गैजेट मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, तो ये वैसे बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन इंस्टेंट है, तो मैं कभी जल्दी में हूँ तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा फेशियल हेयर और बॉडी हेयर के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि आप हेयर फ्री कैसे रहती हैं, तो मैं जो यूज़ करती हूँ उससे काफ़ी मुझे हेल्प हुई है। देखिए, मेरे हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है अब, और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। शूज़ भी हमारी पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमेशा वही शूज़ लिया करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों और जो आपके लिए सूटेबल हों। लाइक अगर आप टॉल हैं तो आप फ्लैट शूज़ पहना करें, अगर आप शॉर्ट हैं थोड़े से तो आपने सोल वाले शूज़ लेने हैं, और हमेशा एक पेयर ऐसा लिया करें शूज़ का जो आपके हर सूट के साथ जाए। मैंने ये न्यूड कलर में लिया था, तो ये मेरा बहुत कंफर्टेबल शूज़ है, और इसे मैं हमेशा पास पास ही रखती हूँ, कहीं जल्दी में जाना हो तो फ़ौरन पहन के चले जाती हूँ। एक शूज़ और एक हैंडबैग, ये दोनों चीज़ें आपकी जो ओवरऑल लुक होती है ना, उसमें प्रोमिनेंट होती हैं, तो इस पर आप पे अटेंशन क्या करें, और हैंडबैग हमेशा अच्छी क्वालिटी का लिया करें, एक लिया करें लेकिन अच्छा होना चाहिए, और कलर ऐसा लिया करें जो आपके हर ड्रेस के साथ जाए, क्योंकि बार बार चेंज करना भी मुश्किल होता है बैग को, तो ब्लैक, ब्राउन या वाइट में अगर आप लें तो आपके हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। और ज्वेलरी जो है आप हमेशा अपनी ऑर्गेनाइज करके रखा करें, ताकि आपको मैचिंग करने में बहुत ईजी हो, और ज़रूरी नहीं जो भी ज्वेलरी आपके ड्रेस के साथ मैच हो रही है आप वो सब पहन लें, आपने सिर्फ एक या दो चीज़ें पहन लेनी हैं वो काफ़ी हैं, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपने हमेशा ज्वेलरी पहननी है। कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और हम काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं उनसे, लेकिन जैसे वो बात करना शुरू करते ना, तो पूरी पर्सनैलिटी उनकी तबाह हो जाती है। तो हमेशा कम बोलें और अच्छा बोलें, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा लाउड ना बोलें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा लाउड भी बोलते हैं ना, उससे भी काफ़ी लोग इरिटेट होते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि इस तरह से बोलें कि किसी को खुशी हो। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपनी। कुछ लोगों की ना आदत होती है कि वो शोल्डर्स को ना इस तरह से करके बैठते हैं, तो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी पे अच्छा असर नहीं पड़ता। आपने हमेशा अपनी शोल्डर्स को पीछे की तरफ करना है और बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और आपको बैक पेन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं आपको, तो वो नहीं होंगे।
जब हम बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं और कुछ अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा पोस्चर, जेस्चर, स्पेशली हमारी हैंड मूवमेंट, हर कोई नोट कर रहा होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें। अब लास्ट में मैं आपको क्विक सा टचअप करके दिखाऊंगी, जिसे आप नो मेकअप लुक भी कह सकते हैं या फिर एवरीडे या कैजुअल मेकअप भी कह सकते हैं। मैंने जब 5 मिनट में रेडी होना हो ना, तो मैं शनेल की सीसी क्रीम लगाती हूँ पहले, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है और इसके अंदर सनस्क्रीन भी है, और ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर लगाया करें, चाहे आप मेकअप करें ना करें, मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें। सीसी क्रीम या बीबी क्रीम की कवरेज भी अच्छी खासी होती है, अगर आप जल्दी में हो तो आप ये लगा लें, वरना अगर आपको सूट नहीं करती या आपको पसंद नहीं है तो आप खाली कलर करेक्टर भी लगा सकते हैं, पहले स्किन को मॉइस्चराइज करके आपको जहाँ भी स्किन में आपके मार्क्स हैं वहाँ पे आप कलर करेक्टर से उसको टचअप कर लें। या फिर डार्क सर्कल का इशू भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो उसके लिए आपने अंडर आई कंसीलर ज़रूर यूज़ करना है, तो ये आपने खुद ही देखना है कि आपको जहाँ पर ज़्यादा ग्रूम करने की ज़रूरत है आपने खुद ही उसको कवर अप करना है। उसके बाद आपने आईब्रोज भी ज़रूर बनानी है, क्योंकि उससे भी एकदम आपके लुक चेंज हो जाती है। अब कुछ लोगों की शेप इतनी अच्छी नहीं होती आईब्रोज़ की, तो उन्हें क्रिएट करनी होती है खुद ही, और जिनकी शेप ठीक भी हो उन्हें भी फिलअप ज़रूर करना चाहिए। अब मेरी शेप भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जब भी टाइम हो मेरे पास तो मैं हल्का सा उसे टचअप कर लेती हूँ। आप देखें कितना डिफरेंस लगता है। अभी मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी ऑयली लग रही थी, क्योंकि आजकल यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो इस वजह से मैं हल्का सा ये जो लूज़ पाउडर होता है ना फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये यूज़ नहीं करती, क्योंकि इससे आपका फेस जो है ना वो केकी सा लगता है। उसके बाद आपके पास जो भी न्यूट्रल कलर की लिपस्टिक हो ना, आपने हल्की सी फिंगर पे लगा के तो अपने आई एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, जो आई लिड है और सॉकेट एरिया वहाँ पर आपने हल्की सी उसको शेप दे देनी है, उससे यह है कि आपका बहुत नेचुरल लुक आएगी। उसके बाद मैं ब्लैक आई शेड से अपने आई कॉर्नर को हल्की सी शेप दे रही हूँ, और मैं अक्सर इसी तरह से ही क्विक मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि हल्की सी शेप आ जाती है तो अच्छी लगती है। अब आपने अपनी आईज़ को देखना है कि उस पर क्या सूट करा है, अगर आपको लाइट सा लाइनर सूट करता है तो आप पेंसिल यूज़ कर लें, या फिर आप ब्लैक शेड कोई हल्का सा सिर्फ आई लैशेज के पास लगा लें तो उससे भी बहुत प्यारी सी लुक आती है। कुछ लोगों को काजल सूट करता है तो वो लगा लें, या फिर आप अगर कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ मस्कारा लगा लें, लेकिन अगर आप खाली मस्कारा लगा रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं ताकि वो अच्छा लगे। उसके बाद चीक्स के लिए आजकल टिंट काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो आप वो ले लें। वैसे बॉडी शॉप का मैंने सुना था कि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मिला, तो मैं ब्लश ऑन ही लगा रही हूँ हल्का सा, और ये पिंक सा कलर अगर आप लगाते हैं ना हल्का सा तो उससे फ़ौरन फ्रेशनेस सी फील होती है। और वही ब्रश मैं फिर नोज़ पे और पूरे फेस पे हल्का सा लगा लेती हूँ, उससे ये कि थोड़ी नेचुरल सी फिनिश आती है। अभी पिंक कलर मेरे ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था, तो मैं ये हल्का सा पीच उसमें मिक्स कर रही हूँ, और इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके आप खुद ही अपने लिए शेड्स बनाते हैं। इसके अलावा आपने लिप बाम से अपने लिप्स को ज़रूर मॉइस्चराइज करना है। मैं जब भी नहा के आती हूँ या फेस वॉश करती हूँ तो उसके बाद हल्का सा लिप बाम लगा लेती हूँ, और पहले भी मैंने लगाया था, अभी मैं उसको हल्का सा फ्रेश कर रही हूँ, और आप देखिए कि अगर मैं ऐसे भी रहने दूँ तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैं ये अपनी NYX की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करनी है। मुझे लिपस्टिक में न्यूड शेड ज़्यादा पसंद है तो मैं वही लगा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को डार्क कलर बहुत सूट करते हैं, तो वो खाली लिपस्टिक भी अगर लगा लेना तो पूरा फेस उनका फ्रेश लगता है। तो ये था 5 मिनट्स का मेकअप लुक, और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो ये सब मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। आपने स्क्रीनशॉट लेना है जिस चीज़ का आप ले सकते हैं, और आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। आई होप कि आज के वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप कर दें। आपसे फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।